वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आप घड़ी में देख सकते हैं अभी 12 बजने वाले हैं और आज है संडे। इसका ये मतलब है कि अभी एग्जैक्टली 6 दिन बचे हैं क्रिसमस को और मैंने अभी तक कुछ भी क्रिसमस की तैयारी नहीं करी है, तो उसकी वजह से मैं और आप और हम जाने वाले हैं बाहर एक डेट पर और करने वाले हैं कुछ क्रिसमस की शॉपिंग। लेकिन वहां पर जाने से पहले मेरे पास कुछ पार्सल है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि है मेरे क्रिसमस गिफ्ट मेरी फैमिली की तरफ से। तो वो वाले हम सबसे पहले खोलते हैं। ये वाली है एक ब्लैंकेट स्वेटशर्ट, मतलब कि एक चद्दर के साथ स्वेटर। जोले शोले। Look at the packaging. Whoa. So this is how it looks like. It's very big. हम इसको पहन के देखते हैं। इवन तो इसकी साइज थोड़ी बड़ी, ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही गर्म है। थैंक यू सो मच अजय फॉर सेंडिंग मी दिस कूल स्वेटर। मेरे पसीने आने लगे, इसको उतारते हैं। ये वाला है मोमो के लिए, जो कि मेरी मम्मी ने भेजा है। वो सो बेसिकली ये है कुत्ते का टिफिन, तो इसके अंदर आप डाल सकते हैं कुत्ते का खाना और इसके अंदर आप डाल सकते हैं पानी। और ये रहा आज का लास्ट पार्सल, जो कि मेरे लिए नहीं है, जो मेरे बॉस है ना उनकी वाइफ के लिए, क्योंकि उनका बर्थडे आता है क्रिसमस को और वो मेरे साथ जॉब भी करते हैं, मुझे सुपरवाइज करते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो उनके लिए भी कुछ खरीदते हैं। इसके अंदर है ये वाला बैग। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसके साथ रहा ये छोटा वाला बैग और ये स्ट्रैप। तो उनके गिफ्ट के लिए मैंने बहुत ही सोचा कि मैं क्या खरीदूं। ज्यादा महंगा तो हम नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारी हैसियत नहीं है, और ज्यादा सस्ता खरीदेंगे तो बेइज्जती हो जाती है, तो इसकी वजह से मैंने ये वाला खरीदा है और इसका प्राइस है 89,000। सो आई थिंक इट्स गोना बी ओके। सो हमने सारे पार्सल की अनबॉक्सिंग भी कर दी और अभी हम चलते हैं बाहर कुछ क्रिसमस शॉपिंग करने के लिए। सो ये रही मेरी आज की फैशन, जो कि है काला कौवा फैशन, क्योंकि आज मैंने सारा ब्लैक ब्लैक पहन रखा है ताकि कि मुझे किसी की नजर ना लगे। मास्क, क्योंकि मास्क काफी बड़ा है मेरे लिए, तो मैं हमेशा इसको ऐसे ट्विस्ट करके पहनती हूँ। वन मोर टाइम, नाउ इट लुक्स अ लिटिल बेटर। नाइस। मंग मंग म्यां, अन्यां। Wow, guys, look at the weather. So pretty. So guys, अभी हम बाहर आ चुके हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं आज का मौसम बहुत ही मस्त मस्त वाला मौसम है। So actually कुछ दिन पहले यहाँ पे बहुत सारी बर्फ पड़ी थी, so here is all the snow. और यहाँ पे रोड काफी स्लिपरी है, तो मुझे केयरफुल होना पड़ेगा। मैं मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं लेके आई। I got it. ये रही मेरी टैक्सी। यहाँ से हो ये वाला घर जो इंडियन घर होता है ना, उसकी तरह दिख रहा है। Let's go inside. ये वाली छाबड़ी लेते हैं हम। यहाँ पर सारा क्रिसमस का सामान। This plate is so cute. ये बच्चा क्या कर रहे हैं मेरे पास। अन्या। इसके अंदर चाय पियेंगे तो कितना मजा आएगा। मैरी क्रिसमस। हम ये वाली डेकोरेशन खरीदते हैं हमारे क्रिसमस ट्री के लिए। I'm gonna buy this one too. डैडी वाले बाबा जी। ये वाली है क्रिसमस स्टाइल हेयर पिन, फेक आई लैशेस। तो यहाँ पर है ब्रश, आप अपने बाल ब्रश कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। 2-in-1। This one is a carrot pencil case. ये कैरेट इतनी येलो क्यों है, इसको ऑरेंज होना चाहिए। जो गिफ्ट मैंने खरीदा ना मेरे बॉस की वाइफ के लिए, उसके लिए मुझे एक पैकेजिंग चाहिए अच्छी सी, तो मैं यहाँ से कुछ गिफ्ट पैकेजिंग खरीदूंगी। This one looks nice. I'm gonna buy this one. मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन मुझे ये खरीदनी है क्योंकि इसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है। इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है लेकिन यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, तो मुझे इसको खरीदना पड़ेगा। इस साइज़ में आपको खाने का भी सामान मिल सकता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ कैंडीज एंड स्नैक्स। यहाँ पे ओरियो इतने सस्ते क्यों है मुझे पता नहीं, एक्सपायर तो नहीं है ना, डेट भी सही है इनकी। यहाँ पर है कुत्ते के कपड़े। हम मम्मा के लिए ये वाली ड्रेस खरीदते हैं एज अ क्रिसमस गिफ्ट। अभी यहाँ पे एक और फ्लोर बचा है, वहाँ पर भी हम चेक करते हैं कि क्या क्या है। सो हैवी, मेड इन इंडिया, वाओ। क्या बात है, यहाँ पे इंडिया का सामान बेच रहे हैं दाइसो में। गाइस, मैंने छाबड़ी भर के बहुत सारा सामान खरीद लिया और अभी हम जाते हैं इसको पे करने के लिए। नाने नोर जोगे, जिंगुदरी नेगे म...
गाइज अभी हमने शॉपिंग भी खत्म कर लिया और अभी मुझे बहुत बहुत भूख लग रही है, तो अभी हम चलते हैं कुछ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। सो लंच के लिए मैं आपको लेके जाने वाली हूँ स्पेशल जगह पर, जहाँ पर मैंने पहली बार कोरिया में पार्ट टाइम जॉब करा था, जो कि है एक इटालियन रेस्टोरेंट। सो ये रहा वो रेस्टोरेंट, इसका नाम है कफे इथालिया। आई होप इट्स ओपन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रेस्टोरेंट आज बंद है? रेस्टोरेंट बंद, ऐसा तो होना ही था, मेरे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा। सो इस रेस्टोरेंट के सामने है एक और इटालियन रेस्टोरेंट, तो हम वहाँ पर जाते हैं लंच करने के लिए। सो इस जगह का नाम है मिनी इटली और यहाँ पर मिलता है पास्ता एंड पिज्ज़ा। लेट्स गो इनसाइड। यहाँ पर आप ऑर्डर कर सकते हो, यहाँ पर यहाँ का मेन्यू। लेट्स ऑर्डर सम पास्ता। कोला मैंने ऑर्डर करी है टोमेटो स्पगेटी एंड कोका कोला। अभी कुछ लोग बिल्कुल मेरी टेबल के सामने बैठे हैं, तो मुझे बहुत शर्म आ रही है रिकॉर्डिंग करते हुए। यूट्यूब के लिए क्या क्या करना पड़ता है। Cheers. Yummy, yummy. Spaghetti. Looks so yummy. Smells so good. यहाँ का जो वेटर है ना, वो मुझे घूर घूर के देख रहा है कि ये कौन लड़की है, क्या कर रही है, कैमरा के साथ खाना खा रही है, बात कर रही है। सो गाइस मैंने पास्ता पूरा खा लिया, अभी बस ये सॉस बची है, तो इसके साथ हम ब्रेड ऑर्डर करते हैं और ब्रेड के साथ इसको खाते हैं। सो गाइस अभी मैं रेस्टोरेंट से बाहर आ गई, मुझे इतनी शर्म आ रही थी, मैं शर्म के मारे मरी जा रही थी अंदर। सो कोरिया में दो तरीके के इंसान होते हैं जो आपको घूर घूर के देखते हैं। नंबर वन, आपको घूर के देखते हैं लेकिन जब आप उनसे नजर मिलाते हो ना, तो वो अपनी नजर हटा देते हैं। नंबर टू इंसान वो होते हैं जो आपको घूर के देखते रहते, और आप उनसे नज़र मिलाते हो ना, तब भी वो आपको ऐसे घूर घूर के देखते हैं। और ये जो वेटर था ना, वो नंबर टू का इंसान था, मतलब कि मैं उससे नज़र मिला रही थी और वो फिर भी मुझे घूर घूर के देख रहा था। एनीवे गाइस वहाँ पर पीछे रहा ओलिव यांग। मुझे कुछ मेकअप रिमूवर का सामान खरीदना है, तो अभी हम वहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर छूट चल रही है, तो हम ये वाला मेकअप रिमूवर खरीदते हैं, बॉडी शेपर। अगर आप अपने पिछवाड़े को ऐसे अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको ये वाला पहनना चाहिए, लेकिन हम नेचुरली ब्यूटीफुल है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ये वाली कंघी मेरे पास है घर पे, मुझे समझ भी नहीं आता कि इतनी एक्सपेंसिव क्यों है। Let's go out. गाइज आज हमने अच्छी खासी शॉपिंग कर ली है और अभी हम चलते हैं मेरी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मैं आपको छोटा सा सिंपल सा टूर करवाती हूँ और उसके बाद में हम जाएंगे घर पर। सो ये वाली है मेरी यूनिवर्सिटी की मेन एंट्रेंस। यहाँ पर आके मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, मुझे इतना अच्छा लगता था यहाँ पे आना, स्टडी करना, फ्रेंड्स के साथ मिलना, घूमना, कॉफ़ी शॉप जाना, बहुत ही मज़ा आता था। यहाँ पर है यूनिवर्सिटी का लेक, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर है स्पोर्ट्स फील्ड। अभी हम वो वाली टैक्सी लेके घर पर जाते हैं। सो गाइस इस बड़े सारे डब्बे के अंदर है मेरा क्रिसमस ट्री, तो अभी हम इसको निकालते हैं और डेकोरेट करते हैं। I'm so excited. ये रही मंग मंग की ट्री। सो गाइस अभी हम तैयारी करते हैं हमारे क्रिसमस ट्री की ब्रांचेस को हम सीधे करते हैं। Only time of year the reindeer fly.
You can see them on the sleigh ride cross. So guys, अभी यहाँ के 4:30 बजने वाले और मैं already बहुत ही थक चुकी हूँ. Actually, 2 दिन पहले मैंने मेरा तीसरा डोज लगवाया था वैक्सीन का, जो कि होता है बूस्टर डोज. तो उसकी वजह से मुझे थकावन जल्दी से हो जाती है. Anyway, ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो भी मैंने सामान खरीदा है थाइसो से. मैंने आपको ऑलरेडी व्लॉग में दिखा दिया, लेकिन अभी मैं आपको आराम से डिटेल में एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ. सो नंबर 1 रही ये मस्त वाली चप्पल. क्या मुझे इनकी जरूरत है? नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी चप्पल है, लेकिन ऐसी वाली चप्पल नहीं है तो मुझे इसको खरीदना पड़ा. और ये बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इसके पीछे रहा ये पोचा टाइप में, तो जब आप चलते हैं ना तो आप अपने घर की साफ सफाई भी कर सकते हैं. वेरी स्मार्ट चप्पल. नंबर 2 रहा ये क्यूट वाला कचरे का डब्बा. क्या मुझे इसकी जरूरत है? नहीं, लेकिन इसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है तो मजबूरी में मुझे इसको खरीदना पड़ा. नेक्स्ट, ओ ये मैंने कब खरीदी? अब क्या करें, बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर होती जा रही है, मुझे सच में याद नहीं है मैंने ये कब खरीदा. एनीवे, दिस इज अ बैथ बॉम. आज शाम को हम बैथ करते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे दिखती है. तो नेक्स्ट वन इज दिस ब्लूबेरी सोप. एक्चुअली मुझे 2 हफ्ते हो गए कि मैं साबुन की जगह शैम्पू इस्तेमाल कर रही हूँ मेरे हाथ साफ करने के लिए, तो फाइनली आई गॉट द सोप टुडे. नेक्स्ट वन रही ये थैली, जो मैंने मेरे बॉस के वाइफ के लिए गिफ्ट खरीदा है, तो मैं वो गिफ्ट इसके अंदर डाल के उनको वो दे दूंगी. नेक्स्ट वन आर 2 बलून्स. सो यहाँ पर है नंबर 1 और यहाँ पर लिखा हुआ है लव. तो जब मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे ना, तो ये वाला गुब्बारा फुला के मैं सेलिब्रेट करूंगी. यहाँ पर रहे कुछ क्रिसमस कार्ड और मैंने क्या खरीदा था, हाँ ये वाला. तो ये वाला है एक मेकअप रिमूवर, इसके अंदर है 2. मैंने इनको कभी इस्तेमाल नहीं करा, लेकिन होपफुली मेरे थोबड़े की चमड़ी के लिए सही रहेंगे. अभी मैं मोमो के साथ थोड़ा बहुत खेलूंगी, उसके बाद मैं मेकअप रिमूव करूंगी, बैठ लूंगी और टीवी देखूंगी, नेटफ्लिक्स देखूंगी. सो या, दैट इज माय प्लान फॉर टुडे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज अपना ध्यान रखना, सेफ रहना, खुश रहना, हैप्पी रहना, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून. बाय मोमो, व्हाट आर यू डूइंग? बाय.